वेजिटेरियन रेसिपीज, अलग अलग क्यूजिन की रेसिपीज, मीठी मसालेदार मिक्सी रेसिपीज के लिए आप मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर से क्लिक कीजिए ताकि जब जब मैं नए वीडियोस डालूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वेलकम टू अल्पाहार, मेरा नाम अल्पा शाह है। हमारे घर में वर्किंग पर्सन धीरे धीरे बाहर निकलने लगे हैं, लेकिन अभी जो वायरस है वो खत्म नहीं हुआ है, डर हमारे मन में बना हुआ ही है। इसके लिए मैंने घर पे एक इम्यूनिटी बूस्ट काढ़ा बनाया है। आप इसे 4 से 5 दिन के लिए एक साथ बना के भी रख सकते हैं, फ्रिज में बना के रख दीजिए और जब सुबह पीना है तो गर्म करके इसे पी लीजिए। इसके लिए मैंने ये एक पतीले में 1 लीटर पानी लिया है। पानी में सबसे पहले हम सारी चीजें ऐड कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसमें 3 टेबलस्पून जितना गुड़ डालूंगी। गुड़ हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, गर्मी में भी हमें राहत देता है, प्लस आयरन, इससे हमारा लोह तत्व बढ़ता है जिससे हमारी इम्यूनिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ती है। इसके अलावा इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून सेंधा नमक है। अगर कफ हमारा जमा हुआ होगा तो ये क्लियर करने में नमक भी काम आता है। 1 टीस्पून हल्दी है। हल्दी सारे घाव को भरने के लिए बहुत ही काम आती है और ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए भी बहुत ही बेहतरीन है। 1 टेबलस्पून जीरा है, साबुत जीरा। जीरा हमें पेट में ठंडक देता है। इसके सिवा गुड़ और जीरे का काढ़ा हमारे शरीर में थोड़ा बहुत जहाँ भी पेन होता होगा उसके लिए भी बहुत काम आता है, उसमें रिलीफ देता है और फाइबर कंटेंट भी ज्यादा रहते हैं इसमें। 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून अजवाइन है जो हमें पेट साफ करने के लिए मदद करता है, हमारे शरीर में जो अगर वायु है उसे दूर करने में मदद करता है। हमारी इम्यूनिटी 3 चीजों के ऊपर डिपेंड रहती है, कफ, वायु और पित्त। अगर ये तीनों चीजें को हम कंट्रोल कर सके तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही बढ़िया चल सकती है और किसी भी वायरस के सामने हम खड़े रह सकते हैं। और 7वीं चीज है हमारी ये जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर, बहुत ही बेहतरीन है कफ को रिलीज करने में, गले से लेके हमारे अंदर की सभी चीजों को ये क्लियर करता है। बहुत ही बढ़िया इसका उपाय है, इसे जरूर से डालिएगा। अगर आपके पास सौंठ का पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश अदरक को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अब हम इसे सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम आंच पे हमें इसे 10 मिनट उबालना है और 10 मिनट में ही हमारा काढ़ा बनके तैयार हो जाता है। बस आप इसे बना के रख दीजिए। सुबह खाली पेट हमें इसे लेना है, करीबन 100 ml यानी कि आधा से पौना ग्लास आप ले सकते हैं, जितना गर्म आप पी सकते हैं उतना गर्म हमें लेना है। और अगर पॉसिबल हो तो आप इसे, अभी गर्मी है इसलिए आप एक टाइम लीजिए, लेकिन बारिश के मौसम में आप इसे 2 बार लीजिए, रात को भी सोते समय इसे अवश्य लीजिएगा। कम से कम ये 3 से 4 महीने तक इसे कंटिन्यूस हमें चालू ही रखना है क्योंकि वायरस की अभी तक कोई भी दवाई नहीं निकली है, हमें इससे ही अभी प्रोटेक्शन मिलने वाला है, एक प्रयास मात्र है इससे बचने का। जरूर से ट्राई कीजिएगा और अपने के साथ जरूर से शेयर कीजिए, सबको एंकरेज कीजिए कि ये बना के रखे घर में और पिए। एक बचने का हमारा एक ही मात्र ये हथियार है, इसलिए आप अपनों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा ये चीजें और बनाने के लिए जरूर से उन्हें प्रोत्साहन कीजिए। काढ़ा उबलने लगा है, 10 मिनट तक आप उबलने देंगे। मीडियम आंच पे उबालते हुए इसे 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे और जब भी इसे आपको पीना है तभी आप जितना गर्म हो सके उतना पीजिएगा। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, आपके घर में अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो इसमें बिना गुड़ के भी आप बना सकते हैं। और इस वायरस से बचने के लिए हमारे पास
अभी फिलहाल यही एक उपाय है जिसे हमें सबको फॉलो करना है। आप भी जरूर से बनाइएगा और आगे बारिश में तो हमें अक्सर सर्दी और खांसी जुकाम जैसे लक्षण दिखते ही हैं, ऐसे में हमें ये प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए कम से कम 3 से 4 महीने डेली इसका हमें उपयोग करना है। बना के रख दीजिए 3 से 4 दिन का, 6 दिन का, फ्रिज में बॉटल भर के रख दीजिए, जब भी पीना है उसे गर्म करके पीजिए। कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, लेकिन हमें वायरस से बचाने के लिए बहुत ही बढ़िया फायदेमंद है। 3 साल से ऊपर वाले बच्चे भी इसे पी सकते हैं, थोड़ी कम क्वांटिटी में दीजिए, तब से लेके बड़े बुजुर्ग सब इसे आराम से पी सकते हैं। तो आप भी जरूर से ट्राई कीजिए और अपनों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वायरस से बच के रहिए। स्टे सेफ और कमेंट्स जरूर से दीजिएगा। थैंक यू।